के लैपटॉप आया है। इस लैपटॉप के अंदर प्रॉब्लम ये है कि ये लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा है, ये डेड पोजीशन में डेड है लैपटॉप। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। जैसे मैं इसको लगाता हूँ तो ये सप्लाई के लिए एक लाइट इंडिकेशन जलता है, तो कहीं इंडिकेशन भी नहीं जल रहा है। अगर यहाँ पर देखेंगे तो देखो बैटरी का अलर्ट बना, दिख रहा है यहाँ पर सर, थोड़ा सा पास में दिखाइए, ये बैटरी जैसा निशान बना है, लेकिन उसको लगाने पे कुछ नहीं बता रहा है। तो न लगाने का बताने का मतलब होता है, हो सकता है इसका सप्लाई के अंदर का कनेक्टर खराब हो गया हो। तो कनेक्टर खराब होने की वजह से भी हमारा ये काम नहीं करता। ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है कि कनेक्टर खराब होगा तब भी नहीं काम करेगा, तब भी ऐसी प्रॉब्लम आएगी। तो हम लोग इसको एक बार चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं, इसको रिपेयर करते हैं। तो रिपेयर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको खोल के देखेंगे। सबसे पहले बस लैपटॉप को हम पूरा खोलेंगे। दोस्तों इसको मैं खोलता हूँ, खोलने के बाद पूरा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। इसके जितने भी सारे पेंच है, सारे पेंच को ओपन करेंगे। इसमें बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के स्क्रू लगे हैं, मतलब इसको पहले से कहीं दिखाया हुआ है। सारे स्क्रू को ओपन करेंगे। देखिए हम लोग इसकी बैटरी को रिमूव करेंगे। बैटरी रिमूव करने के बाद हमने इसके सारे पेंच खोलने हैं। जो हमने सारे पेंच खोल लिए, सारे पेंच खोलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे। और इसके अंदर एक स्क्रू माइनस वाला स्क्रू लगा है। इसको ऐसे खोलना है, एक स्क्रू रह गया, इसको खोलना है। तो हम लोगों ने लैपटॉप को ओपन कर दिया है। ओपन करने के बाद इसके जितने भी सारे स्क्रू हैं, सारे स्क्रू खोल देते हैं ताकि हमारा सिस्टम पूरा ओपन हो जाएगा। और ये सीडी रोम ड्राइव ये हमने बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने के बाद हार्ड डिस्क खोलेंगे। ओपन कर दिया। ओपन करने पर ये हमारा चार्जिंग का कनेक्टर जो दिया हुआ है नीचे की तरफ दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे। सर के लैपटॉप तो बैठने का बोलो।
कीबोर्ड को सिस्टम से डिस्कनेक्ट कर देंगे। ये इसमें ऑन ऑफ स्विच का बेल्ट लगा है, इसको फ्री करेंगे। इसका बॉडी वॉडी सारा सबको देखो डैमेज है पूरा। साइड में कोई पार्ट लगता है ना इसमें, उसका मिस है शायद ना, इधर कोई चीज लगती है शायद। हाँ पर ये हाँ वो कुछ नहीं, सीडी रोम का राइटर है वो लगता है, उससे कोई दिक्कत अच्छा नहीं है। अच्छा जब आप देखेंगे तो मैंने इसको खोला तो इसका जो चार्जिंग का कनेक्टर था ना, वो चार्जिंग का कनेक्टर हमारा क्या था, डैमेज था। मतलब उसकी जो सप्लाई की जो पिन है वो सप्लाई की पिन टूटी हुई है। हम लोग क्या करेंगे, इस पिन को प्रॉपर तरीके से जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद फिर इसको कनेक्ट करेंगे। तो चलो चलते हैं इसको कनेक्ट करते हैं। क्या करेंगे, पेस्ट से इसको पहले सोल्डिंग टाँका लगा देंगे, देखिए ऐसे। फिर इस तरफ का जो पिन है इसको भी पेस्ट में टाँका लगा देंगे। सर थोड़ा सा पेस्ट ले आइए, ठीक है। इसको अच्छे से ज्वाइंट कर देंगे, ठीक है। इसको ऐसे ज्वाइंट करना है और इस सप्लाई को हमको यहाँ पर जोड़ना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पर पहले पेस्ट लग लाएंगे जैसे। हम लोग क्या करेंगे, इसको अच्छे से ज्वाइंट करेंगे। एक तरफ को जोड़ दिया, फिर दूसरी तरफ है इसको भी आप अच्छे से जोड़ देंगे। माइनस वाले पिन को अलग कर दें ताकि इससे शॉर्ट नहीं होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 19 वोल्ट की सप्लाई आती है।
ये देखिए हमारा प्रॉपर तरीके से जुड़ चुका है सर, दिखाइए सभी बच्चों को। हाँ ये हमारा कनेक्ट हो गया, इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करके देख लेंगे मजबूती से जुड़ा कि नहीं जुड़ा, और हम इसको पैक करके चेक करेंगे। चलो चलो करेंगे, इसको पैक करेंगे सिस्टम से। ये कनेक्टर इस तरफ से ऐसे लगा हुआ है, सिस्टम में लगाने के बाद फिर से हम लोग इसको लगाएंगे, पूरा पैनल लगाएंगे। ऑन स्विच का जो पत्ता है इसको लगा देंगे, ऐसे टच पैड है इसको कनेक्ट करेंगे। उसके बाद जब ये हमारा हो गया तो हम लोग इसके फैन को लगाएंगे। अब ये हमारा लग गया, लगने वाले हम लोग क्या करेंगे सिस्टम को एक बार ऑन करके देखेंगे। ये चार्जिंग के लिए है, पहले हम लोग क्या करेंगे चार्जर लेंगे, इसका चार्जिंग पे लगाएंगे। चार्जिंग पे लगाने के बाद यहाँ पर चार्जिंग का एक अलर्ट आना चाहिए, चार्जिंग का अलर्ट नहीं आ रहा, हो सकता है बैटरी ना लगे हो जिस वजह से अलर्ट ना आ रहा हो। हम लोग एक बार बैटरी भी लगाएंगे, बैटरी लगाने के बाद फिर हमने हमने चार्जिंग पर लगाया। देखिए जैसे चार्जिंग पर हमने लगाया तो चार्जिंग का अलर्ट आ गया, तो फिर दोस्तों पहले नहीं आ रहा था, यहाँ पर चार्जिंग का अलर्ट आ रहा है, बैटरी चार्ज हो रही है, ब्लिंकिंग आ रही है। तो ये बैटरी लगाने से तो नहीं आया, ये चार्जिंग से ही बता रहा है। हम लोग क्या करेंगे लैपटॉप को एक बार ऑन करके देखेंगे आपके सामने। देखिए मैं ऑन करता हूँ और ये लैपटॉप हमारा ऑन हो गया। तो इसकी चार्जिंग कनेक्टर खराब था, चार्जिंग कनेक्टर सप्लाई खराब होने की वजह से हमारा लैपटॉप नहीं चल रहा था, जिस कारण से ये डेड पोजिशन में चला गया था, बंद हो गया था। ठीक है, अब हम लोग इसको फिर से बंद करते हैं, ऑफ करते हैं और इसके अच्छे से पैकिंग करते हैं। मतलब चार्जिंग की सप्लाई खराब होने की वजह से लैपटॉप हमारा क्या होता है डेड हो गया था। हम लोग इसको बंद करेंगे,
इसके जितने भी सारे स्क्रू हैं, सारे स्क्रू को प्रॉपर तरीके से लगा देंगे। हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम को पूरा पैक कर दिया है। पैक करने के बाद सीडी रोम ड्राइव लगाएंगे और इसको टाइट कर देंगे। अब हो गया, हम लोग इसका पीछे का बैक पैनल लगा देंगे। और अब इसकी बैटरी को लगाएंगे। ये हमारा लैपटॉप पैक हो गया है। पैक होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम को ऑन करेंगे, चार्जिंग पे लगाएंगे। चार्जिंग बता रहा है, जब ऑन किया तो हमारा लैपटॉप ऑन हो गया है। ऑनर विंडो ओपन हो गई है। तो हमारा ऑन हो गया। ऑन होने के बाद हम लोग स्क्रीन पर एक बार देखते हैं सारा चीज़, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई विंडो को प्रॉब्लम तो नहीं है। ये देखिए प्लीज वेट, हमारा सिस्टम ऑन हो रहा है। तो आज हमारे पास लेनेवो का लैपटॉप था। इस लेनेवो का लैपटॉप डेड कंडीशन में आया था और प्रॉब्लम क्या थी कि चार्जिंग की सप्लाई खराब होने की वजह से बंद हो गया था। और इसको तो कोई ऐसा तो है नहीं कि आदमी बिना कोई दूसरे तरीके से चला सकता है। चार्जिंग होगी, फिर बैटरी चार्ज होगी, बैटरी चार्ज होगी तब तो हमारा लैपटॉप चलेगा। तो चार्जिंग की सप्लाई ख़राब होने की वजह से मोस्टली हमारे लैपटॉप डेड हो जाते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट क्लास चलने लगा है। ये हमारा लैपटॉप चल रहा है। प्रॉपर सिस्टम की वर्किंग है। तो हमारा लैपटॉप चल रहा है ओके कंडीशन में, फर्स्ट क्लास चल रहा है। इस पीसी खोला, सारी ड्राइव ओपन हो रही है, सारा चीज़ सब कुछ खुला है। तो इसका मतलब बस हमारा लैपटॉप फर्स्ट क्लास रेडी हो गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने देखा है कि लेनेवो का लैपटॉप आया है, उसको कैसे मैंने रिपेयर करके दिखाया, उसका तरीका मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है। इसी तरीके से हमारे पास जो भी बच्चे लोग ट्रेनिंग के लिए आते हैं उनको हम एक एक करके सभी चीज़ों के बारे में सिखाते हैं।
और अगर आप भी इस तरीके से कंप्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं प्रैक्टिकली इन सब चीज़ों को रिपेयर करते हुए, खुद रिपेयर करने आप अच्छा सीखना चाहते हैं, तो आप ईटेक इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं और इन सब चीज़ों के बारे में आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू।